उस बिंदु के बिंदुपथ का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी रेखा y बराबर -6 तथा बिंदु 60 से दूरियां बराबर है। वास्तव में यह परवलय का समीकरण है। जब परवलय का प्रतिबंध दिया होता है तो इसी तरीके का प्रश्न होता है। प्रतिबंध के अनुसार परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक दी हुई रेखा तथा एक दिए हुए बिंदु से दूरियां सदैव बराबर होती है, और ये दी हुई रेखा जो होती है वो परवलय की नीता कहलाती है, और जो बिंदु दिया हुआ होता है वो परवलय की नाभि है। वास्तव में ये नाभि है, तो नाभि जो दी हुई है ए जीरो के रूप की दी हुई है, तो नाभि जो दी है हमारी ए जीरो, इसकी तुलना हम दी हुई नाभि से कर लेते हैं 60 से, इसलिए यहाँ से ए का मान 6 आ जाता है। परवलय का अक्ष देखें, इसमें वाई जीरो आया, वाई निर्देशांक, इसलिए एक्स एच होगा। परवलय का समीकरण हम यहाँ से निकाल सकते हैं। परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के रूप का होगा, क्योंकि जो नाभि है वो हमारी प्रथम मतलब धन दिशा में है, एक्स एच की धन दिशा से। तो ये सूत्र होगा, एक अमान लिखेंगे, ये 24x आ गया, ये हमारे परवलय का समीकरण होगा। परवलय को ट्रेस भी कर सकते हैं, इस तरीके से होगा